नमस्कार, एएस न्यूज में आपका स्वागत है। खबर गाजीपुर से है, जहां आज डाला छठ पूर्वांचल के एक प्रमुख पर्व है और इस बार ये पर्व कोरोना महामारी के बीच मनाया जाना है, जिसको लेकर जिला और पुलिस प्रशासन सतर्क है। और आज डीएम एमपी सिंह और एसपी डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने नाव के द्वारा विभिन्न गंगा घाटों का निरीक्षण किया। डीएम और एसपी ने कलेक्टर घाट, चितनाथ घाट, स्टीमर घाट और ददरी घाटों का निरीक्षण किया और छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लिया। डीएम और एसपी दोनों अधिकारियों का कहना था कि हमारी सलाह है कि इस पर्व को लोग घरों से ही मनाएं, क्योंकि कोरोना का संक्रमण अभी भी है। बता दें, कई प्रदेशों में छठ पूजन घाटों पर जाकर करने की अनुमति नहीं दी गई है, पर जनपद में इस तरह का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। फिर भी कोरोना को देखते हुए डीएम और एसपी ने घर से ही छठ पूजन की अपील लोगों से की। डीएम एमपी सिंह ने बताया कि गाजीपुर में 34 गंगा घाट है, जिनमें भीड़ भाड़ वाले ज्यादातर घाटों पर गंगा करीब 500 मीटर तक आगे चली गई है, जिससे एक बड़े क्षेत्रफल में रेत हो गया है और इसकी वजह से भीड़ भाड़ नहीं होगी। फिर भी हमने आज घाटों का निरीक्षण कर सभी व्यवस्था दुरुस्त रखने का निर्देश दिया है। और बाकी कच्चे घाट मिला के 34 घाट हैं। पांच घाट ऐसे जहाँ से ज़्यादा होती है, एक ददरी घाट है, दूसरा जहाँ हम लोग खड़े हैं अल्टर घाट है, इसके अलावा अक्का घाट है, यहाँ ज़्यादा भीड़ होती है। लेकिन ददरी घाट भी इस बार गंगा नदी का जो पानी है वो करीब 500 मीटर आगे बढ़ चुका है और काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया वहाँ बालू से घिरा हुआ है, और इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस बार नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोविड-19 है, महामारी को बहुत गया नहीं है और दिल्ली में तो और बढ़ गया है, ऐसा हुआ हमारा प्रदेश देखते हैं और ज़्यादा आगे रहने की जरूरत है। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि लोग कम से कम लोग आएँ, लोग अपने घरों की पूजा करें, अपने आसपास पूजा करें, क्योंकि यहाँ लोग आएंगे, भीड़ बढ़ेगी तो कोविड से चिंता नहीं हो सकता। ये सिर्फ हमने शिक्षा विभाग से कोविड हेल्प डेस्क बना रखा है, हमारी मोबाइल टीम भी रहेंगी, कोई व्यवस्था करा रखी है। लेकिन कोविड महामारी को देखते हुए लोगों से अपील ये है कि कम से कम लोग आएँ, 10 साल से कम के और 60 साल से अधिक के लोग बिल्कुल ना आए तो बेहतर होगा, क्योंकि कोविड महामारी उन लोगों के लिए ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए सभी से अपील है, गाजीपुर के लोगों से अपील है, विनम्र अपील है, इसका ध्यान रखें, कम से कम लोग आएँ, ना आए तो और भी अच्छा रहेगा, बट अगर आते हैं तो सामाजिक दूरी का जरूर पालन करें, मास्क जरूर लगा करके आए। हमारी चिकित्सा विभाग की टीम रहेंगी, नगर पालिका के स्तर से हम लोगों ने साफ सफाई की व्यवस्था बनाई है, कंट्रोल रूम भी बना रखा है, बन भी रहा है, इसमें लाउड स्पीकर भी रहेगा, लाउड हेलर्स भी रहेगा, टीमें मजिस्ट्रेट और पुलिस के साथ चक्रण करती रहेंगे। बट कोविड महामारी को देखते हुए हम लोगों ने ये अपील की है और अभी ये अपील कर रहे हैं कि लोग ना आए या आए तो कम से कम आए तो बेहतर। हम लोगों ने हमीद क्षेत्र के आगे से हमीद क्षेत्र के उस पार से लेकर के और ददरी घाट तक और फिर उस पार भी हम लोग गए थे, लगभग सारे घाटों का हम लोगों ने, तो मैंने आपको बताया कि गंगा का पानी लगभग 500 मीटर से अधिक ही होगा, जो अपना स्थान छोड़ चुका है, एक आइलैंड टाइप का बन चुका है और वो रेतीला है, उसकी जमीन नहीं दिख रही, बालू है, अच्छा एरिया हो गया है। वहाँ तक पहुँचने में बीच में एक नाला जैसा भाग है, करीब 10 मीटर चौड़ा होगा, उस पर बल्लियाँ लगा करके पटरे लगाए गए, एक अस्थाई पुल लकड़ी का बनाया गया है, उसको हमने भी चेक किया है और नगर पालिका से कहा है कि इसको और मजबूती दी जाए और एक बगल में पुल और बना दिया जाए, जिससे आने जाने वालों के लिए कोई दिक्कत न हो। साथ ही कोई भी दुकान वहाँ नहीं लगने दी जाएगी, एक दो दुकानें हमने देखी जिससे गंदगी हो रही है, लोग पाउचेस बेच रहे हैं, चिप्स बेच रहे हैं, गुटखा बेच रहे हैं, जो प्रतिबंधित है। कोई भी दुकान अस्थाई या अस्थाई कोई भी नहीं लगेगी, साफ सुथरा घाट को रखा जाए, ऐसा नगर पालिका को हमने निर्देश दिया है और हमारे मजिस्ट्रेट और तहसीलदार। ये डाला छठ को दृष्टिगत रखते हुए हम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब जो है पूरे घाटों का नाव से आज भ्रमण किया, साथ में हमारे ऑफिसर्स थे और नगर पालिका के डीओ थे, चेयरमैन साहब उपस्थित थे। इसको पहले तो हम लोगों ने अनाउंसमेंट करके सबको बता दिया है कि यथासंभव घर से ही अपने त्यौहार को मनाएं, लेकिन भूले भटके यदि कोई आ जाता है तो सुरक्षित तरीके से यहाँ से चला जाए अपने पूजा पाठ को करके। इसके लिए हम लोगों ने आज विजिट किया है, तो जहाँ जो कमियाँ पाई गई उसको ताकि पूर्ति की जा सके, ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो और सुरक्षित वातावरण में डाला छठ का पर्व मनाए। कितने घाट जो है मतलब सुरक्षित टाइप दिखाई दिए, जहाँ ऐसे घाट जहाँ घाट नहीं बने हैं, गाँव से जुड़े हुए हैं,
उनको विजिट किया गया। सोवल थाना क्षेत्र की तरफ ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिले हैं जिसको बैरिकेड करके, और पहले तो हम रोकने का प्रयास करेंगे कि कोई आए नहीं, क्योंकि कोविड 19 के जो नियम हैं उसमें 10 वर्ष से नीचे के बच्चे को आना मना है, 60 वर्ष से ऊपर को के बुज़ुर्ग को आना मना है, और सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे हमारा अनाउंसमेंट हो रहा है, लोगों को सेंसिटाइज कर रहे हैं कि जैसे सभी त्यौहार अपने घरों से मनाया है वैसे इस त्यौहार को घर से मनाएं, लेकिन अगर कोई आ जाता है तो पूरी तरीके से सुरक्षित रहे।